ये मैंने एक हिडन मिस्ट्रीज करके एक बुक पढ़ा था ओशो का, जिसमें ओशो ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया था। उसमें अली करके एक होता है, वो डिसाइपल है शायद मोहम्मद का या फरीद का। तो अली पूछता है फरीद से, इंसान व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता कितनी है। वो पैर उठाओ वाली कहानी। हाँ, वो बोलता है कि अगर हम दाएं बात फरीद बोलता है कि अगर हम दाएं हाथ दाएं पाँव उठा उठा उठाए तो बाया पाँव बन जाएगा, अगर बाया पाँव उठाओ तो दाया पाँव बन जाएगा। मतलब आप एक वक्त में एक ही पैर उठा सकते हैं, हाँ, दोनों नहीं उठा दूसरी सकते। चीज़ पाँव बन जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो कर्म आपका स्वतंत्र है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो स्वतंत्र नहीं स्वतः है। नहीं है तो ये मुझे क्लियर से समझ में नहीं आया मुझे। चलिए मैं समझा देता हूं इसको। कर्म और फल, कर्म और भाग्य, ये दो डिफर चीज हैं। क्योंकि हमारे हाथ का जो कर्म है वो हमारी इंद्रियों की पकड़ में है। अब आप कर्म के रूप में क्या करते हैं थोड़ा समझिएगा। आपका कर्म है कि आप एक ऑफिस में गए, आपने ऑफिस में जाके वर्क किया, ओके, आप अपनी इंद्रिय अपनी समझ के अनुसार करेंगे, लेकिन जिसने वो फाइल आपको करने को दी थी उसके हिसाब से आपने ठीक नहीं किया। तो कर्म तो आपको करेंगे लेकिन फल तो वो देगा। अगर उसे सही नहीं लगा वो डांट सकता है, उसे बहुत अच्छा लगा प्रमोशन कर सकता है। आपके पास एक बीज है, आपको पता है कि ये बीज जो है वो गेहूं बनेगा, ठीक है, आपने वो जमीन में डाल दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने कब डाला। आपने उस मौसम में डाल दिया जिस मौसम में धान डालना चाहिए था, तो फिर गेहूं मर जाए। तो गेहूं, तो कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि फल जो है वो दूसरों की एनर्जीज पे भी डिपेंड करता है। पूरे ब्रह्मांड की अपनी एनर्जीज हैं। आपने, हो सकता है कि आपने गेहूं बो दिया, सही वक्त पे बो दिया, सब कुछ हो गया, निकल आया, गेहूं कटने को है, और एक आदमी को उसके घर में पीड़ा है, उसे चोरी का मन किया, उसने आपका गेहूं चुरा लिया। तो कर्म आपके हाथ में था, फल आपके हाथ में नहीं था। आप समझे, आपके हाथ में सिंगल साइडेड वर्क है और वो है कर्म, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, एक तरीके से प्रकृति के ऊपर छोड़ने पड़ेंगे कि वो क्या फल देती है उसका। लेकिन इस चीज को अगर सही से ना समझ पाए तो आदमी अपने कर्मों में ही ऐसा लगा रहेगा कि हम कर्मों से ही फल निकाल लेंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो समझते हैं हम कर्म कर रहे हैं तो फल मिलना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। ये बात पक्की है कि कर्म जब पूर्णता से किया जाता है तो सेटिस्फेक्शन देता है। अब वो सेटिस्फेक्शन क्या है वो समझ लेना। मैं अपनी पूर्णता से कर्म करता हूं आपके हित के लिए, ठीक है, आप मुझे धोखा दे जाते हैं, मेरे कर्म का रिजल्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि मैंने 100% किया था इसलिए एक सेटिस्फेक्शन मेरे पास बच जाएगा कि कम से कम मैंने कमी नहीं छोड़ी, कि कम से कम मैंने कमी नहीं छोड़ी। अब ये बात मैंने इसलिए कही कि यदि मैं ये ना कहूं कि तुम अपने कर्म को पूरा करो तो आदमी ये भी बैठ सकता है जब करने के परिणाम कुछ नहीं है तो भैया देखा जाएगा, फिर फल जो आएगा खाएंगे, फिर कर्म करो ही ना। ऐसा ही बात लगभग अर्जुन ने भी कही थी कि अगर भाग्य ही है तो कर्म करने का फायदा क्या। तो कृष्ण ने यही कही थी कि अर्जुन मुझे चाहूं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंसान के शरीर में हूं तो दुनिया को यह संदेश देने के लिए आया हूं कि मुझे भी कर्म करना पड़ेगा और पूर्णता से करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म करे बगैर तो फल की भी सोच नहीं बनती, फल का ख्याल भी तभी आ सकता है जब तुमने कर्म किया हो। लेकिन अगर तुमने कर्म को पूर्णता से किया
और फल वैसे नहीं आए जैसे तुमने सोचे, तब भी तुम्हारे पास सेटिस्फेक्शन बच जाता है, तुम्हारा कर्म भी तुम्हें सेटिस्फाई करेगा। लेकिन तुमने अनडेवलप्ड वर्क किया, तुमने बीज बो दिया, कभी बीच में खाद नहीं दी, घूमने चले गए, शिविर विविर में आ गए, थोड़ा सा पानी नहीं लगाया और नहीं जमा, तो तुम्हारे अंदर फल नहीं आया, इससे ज्यादा गिल्ट रहेगा कि मैंने समय पे काम नहीं किया। समझ रहे? आप अपना काम टोटलिटी से कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, और सेटिस्फेक्शन से बड़ा कोई फल नहीं होता। सारे ही काम सेटिस्फेक्शन के लिए किए जाते हैं, और सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज है, और सेल्फ सेटिस्फाई वो आदमी सदा रहता है जिसने अपने कर्म को 100% किया। जो अपने कर्म में अपूर्ण रहता है वो व्यक्ति फल मिल भी जाए तो संतुष्ट नहीं होता। जैसे आपने लॉटरी खरीदी और लग गई लाख रुपए की, तो आप उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, दारू वारू पी के खर्चा वर्चा करके खत्म हो जाए। लेकिन आपने मेहनत की और फिर लाख रुपए आए, तो वो लाख रुपए करोड़ों के बराबर होंगे, उसे आप बहुत सलीके से खर्च करेंगे। तो फाइनली यही बात है कि कर्म में 100% उतरने से ही इंसान को एक फल मिलता है जो बाहर के फल पे डिपेंड नहीं होता, जो अंदर के फल पे डिपेंड होता है, जिसको सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। जिसको सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। तो अली और उनकी बात को तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन उससे भी आगे की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि 100% वर्क करना चाहिए। ये भी साधक के लिए इसमें सूत्र जोड़ा। मैंने कहा हर बात को मैं घुमा के आपकी साधना पे लाऊंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जीवन में इन्हीं चीजों से हम वंचित हैं, अधूरा अधूरा काम कर रहे, अधूरा अधूरा प्रेम कर रहे, अधूरा अधूरा लड़ाई लड़ रहे, अधूरा अधूरा सब कुछ कर रहे, संतुष्ट नहीं होता आदमी। मैं जीवन में बहुत कार्य किया और बहुत असफल कार्य किया, बहुत चीजों में असफल हुआ, लेकिन मेरी सफलता एक चीज की थी कि मुझे हमेशा अच्छा लगता था, इन्होंने मैंने अपना पूर्णता से काम किया, रिजल्ट जो भी आए आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन अगर मैं अधूरे अधूरे काम करता और रिजल्ट्स अच्छे भी आ जाते तो भी मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहता, थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड। जैसे कि आप आए, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने लोगों को अपने अपने से बहुत गहरा जोड़ के, ऐसा समझो आशीष देके उनको प्लेजर दे दिया, बहुत प्लेजर मिल गया, अब उनको बिना कुछ करे प्लेजर मिला। जैसे कि रामकृष्ण ने विवेकानंद को दे दिया, लेकिन उस प्लेजर का सम्मान नहीं था विवेकानंद के पास, तो एक समय उन्होंने वापिस ले लिया, ये प्लेजर के तुम अधिकारी नहीं हो। ऐसे ही कई बार ऐसा हुआ कि बहुत से लोग जिनको इस तरीके का प्लेजर मिला कि अचानक बरस गया, वो समझ नहीं पाए। उनमें से कुछ थोड़े से लोग थे जिन्होंने कहा स्वामी जी बस आपके प्रेम में मिला, इतना मेरे लिए प्रसाद जैसा है। लेकिन जो लोग कर्म की भाषा में बात करते थे, उनको जब मैंने ये कहा कि ये प्लेजर तुम्हारा नहीं है, ये तो आशीष से आया है, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। वो तो मेरा प्लेजर नहीं, ऐसे प्लेजर का क्या फायदा, समझो बात। अगर अभी आपको परमात्मा मिल जाए अचानक, मैं कहूं चलो सर पे हाथ रखूं मिल गया, और अगर आप कर्म योगी हो तो आपको ये प्लेजर बहुत मजा नहीं देगा। साधक, साधक अपनी क्षमता से कुछ करना चाहता है। साधक की स्थिति होती है, गाने में समझा रहा, ये पहले भी एक बार मैंने सुनाया कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, के मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, जट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी,
हो पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। वो कह रही है कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध-बुध गवा बैठी। मैं उसे बहुत प्रेम करती हूं, दीवानी हूं उसकी, पागल हूं, और हर आहट पे लगता है कि वो आए गयो रे। लेकिन जैसे ही आता है मैं घूंघट में मुखड़ा छुपा लेती हूं, क्योंकि इतना तो कम से कम मैं भी चाहती हूं कि मेरा घूंघट तो वो उठाए। आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कि मेरा घूंघट तो वो उठाए। अगर मैं अपने घूंघट भी उठा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर क्या मजा आया? साधक करो, साधना करो, खूब साधना करो, अच्छे से साधना करो, लेकिन एक जिद बनाए रखना। वो जिद ये कि तुझे अगर मैं प्यारा लगता हूं तो तू आना मेरे पास, अगर मुझ में कमी है तो मुझ पे दया मत दिखाना, और पकने देना। मुझे पकने देना, मुझे और निखरने देना। और जिस दिन इतना निखर जाऊं कि तुझे लगे कि तेरा काम मैं कर सकता हूं तो आना मेरे पास, मैं बैठा हूं इसीलिए बैठा हूं। अगर ये जिद है, अगर ये साधक की अकड़ है, मैं अब देखो अभी तक मैं सिखा रहा था समर्पण, अब मैं अकड़ सिखा रहा हूं। अगर साधक की इतनी अकड़ है तो निश्चित जानो वो साधक की गरिमा देखने वाली होती है। मैं ऐसे ही अकड़ का आदमी रहा। मैं अपने को खूब बिल्कुल जो किया परिपूर्णता से किया, लेकिन जिद थी, तुझे जरूरत है तू आ जा, पागल हूं तेरे लिए, दीवाना हूं तेरा, ढूंढता ही तुझे हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूं। परमात्मा तक सम्राट पहुंचते हैं, भिखारी नहीं पहुंचते। ओशो की कही गई ये बात इस तरीके से पूरी होती है। परमात्मा के द्वार पर सम्राटों का स्वागत होता है, भिखारी लौटा दिए जाते। भिखारी मत बनना। ये सर प्रमाण है कि मतलब कि हम उस परमात्मा के पुत्र हैं, मतलब जैसे पुत्र पिता से कभी कभी जिद भी करता और प्यार भी करता और थोड़ा इसका मुकाबला भी करने का थोड़ा हौसला रखता है। बिल्कुल, असल में पुत्र की खूबी यही है कि पुत्र नटखट हो, पुत्र शैतानियां भी कर ले, लड़ झगड़ भी ले, फिर भी प्यार से आके गोदी में लेट जाए, ये पुत्र कीमती है ना। अब पुत्र कभी भी नटखट ना करे, कोई भी मांग ना करे, तो पुत्र में कुछ कमी होगी, पुत्र में कुछ कमी होगी। तो परमात्मा के निश्चित ही हम पुत्र हैं। और परमात्मा को देखो, परमात्मा कभी बिजली कड़काता है, कभी हल्की हल्की फुहारें गिराता है, कभी एकदम सुहाना मौसम कर देता है और कभी एकदम बर्फ गिरा देता है। कभी तो वो कृष्ण की बांसुरी से संगीत सुनाता है और कभी वो मोहम्मद से कहता है तलवार उठा ले। उसके गीत बड़े अलग। अब जब उसके इतने रंग हैं, उसके इतने ढंग हैं, तो वो अपना बच्चा कैसा चाहे? वैसा ही ऐसा हुआ। मैंने आज तक, मुझे कम से कम तर्कों में कोई नहीं हरा सका, कोई भी ऐसा नहीं सामने बैठा जिसने मेरी जुबान चुप करा दी हो। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि मेरी छोटी सी बेटी 6-7 साल की, उसने मेरी जुबान चुप करा दी थी, मैं चुप हो गया। मैंने कहा तू मेरी औलाद है और मुझे खुशी है कि तूने मेरे तर्क गिराए। 6-7 साल की थी लेकिन उसने मुझे चुप करा दिया। तो आपकी प्रतिभा का पूर्ण परिणाम ही तब मिलता है, पूर्ण परिणाम कह रहा हूं, छोटे मोटे तो मिल सकते हैं, बच्चा का थोड़ा बहुत कमी हो तब भी तुम चाहोगे, परमात्मा चाह लेता है, बुद्ध को भी चाह लेता है, मैं तो उसे कहूंगा थोड़ा कमजोर बच्चा, महावीर को भी चाह लेता है, नंगा बच्चा,
लेकिन कभी किसी कृष्ण को देखता है तो उसे मजा आ जाता है, कहता कि एक तो मिला जो मेरी पूरी बात कहेगा, बाकी सब तो थोड़े बहुत किस्से सुनाते हैं। तो पूर्ण अवतार कृष्ण को कहा गया तो उसको पूर्णता ही पसंद आती है। हां मैं फिर कह रहा हूं, कुछ अगर किसी को ऐसी भी प्रेमिकाएं मिल सकती हैं जो अपना घूंघट भी खुद उठा के बैठ जाएं तो प्रेमी तो इनकार नहीं करेगा, लेकिन सच कहें अगर प्रेमिका थोड़ी बहुत झंझट ना करे तो मजा भी कहां आता। थोड़ी बहुत तो झंझट करे, थोड़ी बहुत तो नटखट हो, थोड़ी बहुत तो जो है वो कुछ मांग करे तो अच्छी लगती है। तो कोई मांग ना करे, किसी भी तरीके की नटखट पर ना दिखाए तो फिर वो मजा नहीं आता। तो आपने जो पूछा, निश्चित ही परमात्मा को अपने वही बच्चे पसंद हैं जो उतने ही रंगों में उसे प्रकट कर सके। वैसे वो सबको चाहता है, अगर रंग कम होंगे तब भी चाहेगा, लेकिन उसे भी खुशी हो। कृष्ण जैसा व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति है बुद्धत्व के तल पे उतरा हुआ, जो जहां गया वो वहां छा गया। पैदा हुआ जेल में तो जेल में हड़कंप था, मां वहां थी उसके आने की खबर से हड़कंप था, फिर वो गया गोकुल वहां हड़कंप करता रहा, फिर गोकुल में सारे लोगों को परेशान करता रहा, सारी गोपियों को नचाता रहा, फिर जब कुरुक्षेत्र में गया वहां भी वन मैन आर्मी, अकेले ही लड़ रहा सब, अकेले ही चलाया पड़ा सब कुछ। तो उसके पूरे जीवन काल के झंझट देखो, मुझे कहते बड़ा मजा आता है इस चीज को कि वन मैन आर्मी जैसी जिंदगी जी तो कृष्ण ने जी। अब बुद्ध को देखो, हाँ बाद में जब बुद्धत्व को हो गए तो पता लग रहे हैं थोड़े से, या उससे पहले साधक है तो पता लग रहे हैं, बाप के घर रह रहे हैं, कभी किसी स्त्री को छेड़ा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, जीवन जा रहा है वैसे से, ठीक है बेहतर होंगे अपने समय में वो। लेकिन परमात्मा को तो जब उसने तुम्हें 50 साल का 60 साल का 100 साल का जीवन दिया तो पूरे में हलचल होती तो मजा था। मैं इस मामले में अपने जीवन से भी बड़ा सहमत होता हूं, मेरे जीवन से बड़ी हलचल है, बड़ी हलचल है। मैं चुप हो जाऊं तो हलचल है, मैं बोल दूं तो हलचल है, मैं बचपन से ही हलचल है चारों तरफ, मैं पैदा हुआ तो हलचल, बड़ा हुआ तब तक हलचल, फिर घर में हलचल, फिर समाज में हलचल, फिर हलचल ही हलचल। मैं जिससे जुड़ा, ओशो से जुड़ा, वहां हलचल, जितने लोगों से जुड़ा उनके जीवन में हलचल, तो हलचल ही हलचल है। और मुझे, मैं उस दिन शायद अपने आप को मरा महसूस करूंगा जिस दिन जीवन में कोई हलचल ना हो। मुझे ये जो भूमि है, परमात्मा की जो भूमि है, ये बहुत दिनों से जोती नहीं गई, इसकी जुताई नहीं हुई सही से, इसमें बीज अब इसलिए पैदा नहीं होते, ऊपरी ऊपर पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्रांति जो है वो तभी होती है जब भूमि उपजाऊ हो, जब भूमि जोती गई हो, बीज उसमें गहरे तक जाएं, फिर पानी पड़े और जम जाएं, तब कहीं जाके संघर्ष पैदा होता है। ये बुद्धिमानों का युग है, यहां सब बुद्धि से ही परमात्मा पा रहे हैं, सब बुद्धि से परमात्मा पा रहे हैं, तो ये बुद्धि से परमात्मा नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरत है सही ढंग की जुताई होनी चाहिए। वो मुझे अभी तक तो इस बात की खुशी है कि परमात्मा मुझसे कम से कम जुताई करवा, अपनी ही भूमि को फिर से जुतवा, और 2-4 बीज भी इसमें पलेंगे, जमेंगे तो मजा आएगा। तो इसमें